I have a lifestyle. लाखों जरूरियात है मेरी में, कहां कैसे सब अफोर्ड करूंगा? निजात 6 सितंबर से बुध शब 8 बजे आ मिले हो यूं ही। अगर ये चलेगी तो क्या मैं रह पाऊंगा इसके बगैर? ऐसे क्या देख रहे थे? कैसे जाग रही थी या बंद आंखों से देखने का फन आता तुम्हें? टॉपिक चेंज नहीं करो। कैसे देख रहा था? ऐसे जैसे मायूसी हो दिल में। नहीं, ऐसे जैसे कोई बहुत मुतमईन हो दिल में, उसका इत्मीनान और सुकून सब उसे छिन जाने वाला। कौन छीन रहा है तुम्हारे सुकून और इत्मीनान? तुम्हारे वापस जाने की जिद। डेविड, फिर से वही टॉपिक शुरू हो जाएगा, फिर से वही बहस। इस टाइम पे बहस बनती नहीं है। तो फिर तुम मान जाओ ना। मानना मुझे नहीं, तुम्हें चाहिए, क्योंकि इस पर मैं गलत नहीं हूँ, तुम हो। अच्छा चलो, तुम्हें मैं गलत लगता हूँ तो गलती सही, मगर फिलहाल इस बारे में अभी कोई बात नहीं करेंगे। तुम भी हॉस्पिटल से लेट हो रहे हो, मैं भी। तुमने कहाँ जाना? मुझे जुल्फी के घर जाने, उसको निकाह की शॉपिंग के लिए हेल्प चाहिए थी। मुझे ड्रॉप कर दोगे? छोड़ दो। बात करनी मुझे आप लोगों से। क्या बात करनी है भाई? मेरी फीस देने के पैसे तो है नहीं आपके पास। मेरा दोस्त नहीं आफ्ताब बाहर जा रहा है मास्टर्स करने, उसके माँ बाप भेज रहे उसको। तो हम क्या करें? कुछ ना करें। आप लोग क्यों कुछ करेंगे मेरे लिए? मैं बस इतना बता रहा हूं कि मेरे दोस्त कहां कहां जा रहे हैं। सुन रहे हैं आप? मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं है। सुरैया की, बाली फूफो की, दाऊद भाई सबकी परवाह है आप लोगों को, सिवाय मेरे। मुझे शायद कचरे के ढेर से उठा के लाए थे आप लोग। या अल्लाह, इसकी जबान देखिए कैसे जहर उगल रहा है। उमिया जहरीले, तुम्हारी फीस तुम्हें मिल जाएगी। देखा, नहीं है ना पैसे आपके पास, तो आपकी बहू नहीं किम चंद डॉलर उससे उधार ले ले। बकवास बंद करो, घर की बहू से उधार नहीं ले सकता। चंद डॉलर उस खातून से ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थप्पड़ मारूंगा तुम्हारे मुंह पे। अगर इतनी सी और बकवास की तो छोड़ूंगा नहीं मैं, दबा जाना से। जाओ। डांटते ही रहते हो। जाओ। दानियाल रुको, मुझे जल्दी है। हेरो,
क्या हुआ है? कुछ नहीं। तुम जब से घर से निकले हो खामोश हो। नहीं तो दानियल से किसी बात पे झगड़ा हुआ है? नहीं। Are you sure? हाँ, I'm sure ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या हो गया? कोई काम की बात है तो करें। मुझे अपने दोस्त के पास जाना। क्या बात है? पहले तो इतनी बदतमीजी नहीं करते थे। क्या बदतमीजी किया मैंने? अबू से क्या कह रहे थे? किस तरह बात कर रहे थे? जब आपकी जिंदगी से सब कुछ कोई छीन कर ले जाए ना, तो ऐसे ही बात करता। अगर आप क्या समझेंगे? अगर आपकी किस्मत में कोई चीज होती है और आप उसके लिए मेहनत करते हैं, तो कभी भी कोई भी आपसे कुछ नहीं छीन सकता। समझे तुम? आप तो बात ही मत करें मुझसे। डॉलर, अमरीकी नेशनैलिटी, सब तो मिल गया आपको, और उस सबको पाने के लिए बाकी सबके साथ जो कुछ हो गया हो रहा है, आपको किसी से कोई गर्ज नहीं। कौन से डॉलर? हाँ, कौन से पैसे? मेरा मुंह मत खुलवाए। नहीं, मैं चाहता हूं आज मैं अपना मुंह खोलूं। मैं सुनना चाहता हूं। तो सुने, कब से चिल्ला रहा हो मेरी फीस मेरी फीस, लेकिन किसी के कान पे जू तक नहीं रेंग रही। पहले तो बड़ी बातें करते थे, तुम्हारी फीस मेरी जिम्मेदारी है, और अब दीप बेगम के डॉलरों की हवा तक नहीं लगने दे रहे। उल्टा उसकी हर उल्टी सीधी गलत हरकत को सपोर्ट करता। हाँ, जानते हैं ना कि अगर एतराज किया टोका तो डॉलरों से भी हाथ धो बैठेंगे और अमेरिका जाने का चांस भी खत्म हो जाएगा। तुम्हें लगता है तुम्हारा भाई इतना गिरा हुआ है कि डॉलर और अमेरिका जाने के चक्कर में किन को सपोर्ट करता हूं? तो क्या नहीं करते आप सपोर्ट? करता हूं, क्योंकि वो मेरी बीवी है, उसने कोई गलत बात नहीं की। आप डॉक्टर हैं, अपने टेस्ट करो, कहीं खून की कमी के साथ साथ आपको गैरत की कमी तो नहीं होगी? चले? हाँ। Oh my God! क्या हुआ? रास्ते में बताती हूँ। ओहो, बताओ तो सही, क्या हुआ? जॉर्ज पाकिस्तान आया हुआ है और 2-3 दिन के लिए इसी शहर में मिलना चाहता है। बस। जॉर्ज? जी सर, जी सर, मैं आ रहा हूं। हाय। 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 हाउ आर यू? गुड। कैन यू बिलीव आई मेड इट? या, गुड टू सी यू हियर। So, welcome to my humble abode. Thanks. Should we have a seat? Catch up? Sure. Awesome. मशरूफ तो नहीं थे? नहीं सर, आज रश कम था। इसका मतलब है लोग बीमार कम हो रहे हैं। वैसे शहरों के हालात तो कदरे बेहतर हैं, लेकिन देहात का बहुत बुरा हाल है। एक तो वहाँ हाइजीन की कंडीशन अच्छी नहीं है और दूसरे लोग वहाँ जाना भी नहीं चाहते। आप ठीक कह रहे हैं सर।
डॉक्टर दाऊद, आप जानते हैं कि हमारे इस हॉस्पिटल की एक ब्रांच गांव में भी खुल गई है। जी, काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। मैं आपको वहां पर इंचार्ज बनाकर भेजना चाह रहा हूँ। मुझे? जी, आपको। दरअसल हमारे हॉस्पिटल में जितने भी यंग डॉक्टर्स आए, उन्होंने कुछ ही अरसे काम किया, किसी ने 6 माह, किसी ने 1 साल, और ये भी वो अरसा होता था जब वो अपने किसी ना किसी बाहर के पेपर की तैयारी कर रहे होते थे, बस पैसे बनाने और ट्रेनिंग के लिए रुक जाते थे। डॉक्टर दाऊद, आप वो वाहिद डॉक्टर हैं जो इतने लायक गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद इस मुल्क, इस हॉस्पिटल में रुके और यहाँ लोगों की खिदमत की। मैं दिल से कद्र करता हूँ आपके इस जज्बे की। थैंक यू सर। मैं चाहता हूँ कि आपका ये जज्बा और आपकी महारत इस मुल्क के पसमानदा इलाके तक भी पहुँचे। आप यहाँ से जाएंगे तो यकीनन इस हॉस्पिटल में आप जैसे काबिल और हमदर्द डॉक्टर की कमी तो महसूस होगी, लेकिन मेरे ख्याल में एक छोटे से पसमानदा इलाके में आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। शुक्रिया सर, आप मुझे इस काबिल समझे। अरे, आप इस काबिल हैं डॉक्टर दाऊद। असल में मुझे आपका ख्याल इसलिए आया कि आप वाहिद डॉक्टर थे जो पिछले साल सैलाब में रजाकाराना तौर पर गांव में खिदमात अंजाम दे रहे थे। बाकी सब ने तो कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने आप को खिदमत के इस मौके से दूर कर लिया। क्या करें, अफसोस होता है ऐसी सोच पर। तो क्या आप वहां जाने के लिए तैयार हैं? क्यों नहीं सर, मैं तो जरूर जाना पसंद करूंगा। आप बस घर वालों से मशवरा कर लो। हाँ जरूर मशवरा करें, आपकी तो गालिबन शादी भी हो चुकी है, तो जरूर मशवरा करें बेगम से, वालदेन से। बेगम जैसे वो तो मानी जाए। जी सर, मैं आपको कुछ दिनों तक इन्फॉर्म करता हूँ। आई नो, आई होप के आप मेरी उम्मीदों के बरखिलाफ फैसला नहीं करेंगे। इंशाल्लाह सर। थैंक यू सर। Hey you, how are things? It's been a while. Yeah, it's been a busy couple of months. I've been wondering about that. How's Pakistan treating you? It's amazing. It's great. What's been keeping you busy? I got married, George. Married? बस आधे घंटे में शुरू हो जाएगा लेक्चर। सर बुखारी टॉप के करियर एडवाइजर हैं। तो मैं क्या करूं? ना मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना, ना मेरा वीजा लगा हुआ, मुझे लेके क्यों आए हो भाई? तुम्हारे बड़े काम का आएगा आज का सेशन। मेरे पास फीस के पैसे नहीं है। अब्बू से बोला था, वो कहते हैं नहीं है मेरे पास फीस देने के लिए कोई भी पैसे, क्या करूं मैं? अच्छा यार, सब हो जाएगा, पैसों का बंदोबस्त भी हो जाएगा। तुम जरा लॉबी में वेट करो, मैं टाइम टेबल लिख के आता हूँ। Shouldn't be a surprise for you, right? But in Pakistan, of all places, isn't that insane? You know what, George? Your cheating was a lot more for me than my marriage is for you. Come on, Kim. It wasn't that way. Don't be like that. How's Catherine, by the way? We don't speak anymore. But forget about her. Tell me about your husband. Are you wife number 4? What? No way. Where did you get this idea from? The news makes it seem like everybody in Pakistan has 4 wives. I haven't seen a single man with 2 wives. Trust me. Should I be worried about you? I hear Muslim men are very misogynistic and cruel to their wives. Can you please stop pretending to care about me? The man I've married, he can't even think like this. Well, I'll take your word for it. I'm only here another day. Do you think it'd be cool if you showed me around? Sure. I'll let you know. Great. Right.
खामोश क्यों हो जिल्फी? तुम्हें जॉर्ज से नहीं मिलना चाहिए था। क्यों नहीं मिलना चाहिए था? आई नो किसने मुझे चीट किया था, लेकिन एक वक्त में हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, फिर मैंने मूव ऑन कर लिया और अब तो मेरी डेविड से शादी भी हो गई है, तो इसीलिए तुम्हारी अब शादी हो गई है, दाऊद को इससे बुरा लग सकता है। डेविड बहुत अच्छा इंसान है जुल्फी, उसे नहीं बुरा लगेगा। मैं जानता हूँ दाऊद बहुत अच्छा, लेकिन किसी की अच्छाई को इतना आजमाना नहीं चाहिए। जॉर्ज मेरा सिर्फ एक दोस्त है, डेविड को भी इसके बारे में पता है। हर इंसान की एक हद होती है, कहीं ऐसा ना हो अनजाने में तुम कोई ऐसी हद पार कर लो जिससे दाऊद की अच्छाई, हिम्मत और हौसला जवाब दे जाए। डेविड बहुत डिफरेंट इंसान है, बहुत पॉजिटिव सोच का मालिक है, एंड आई नो कि इसे जब पता चलेगा तो उसे बुरा नहीं लगेगा, और वैसे भी मैं कल जॉर्ज को कराची दिखाने जा रही हूँ। तो मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि दाऊद से इजाजत ले लो। मैं इजाजत ले लूँ? तुम्हें क्या पता नहीं है मेरा? मैं तुम्हें जानता हूँ, मगर बाजों का जिन्हें हम जानते हैं ना, उन्हें हम पूरी तरह नहीं जानते। तुम अभी उसकी बातों से कुछ वाकिफ हो, लेकिन उसे पूरी तरह जानने का दावा नहीं कर सकते। अरे जुल्फी तो इतना अमीर निकला, जूते कपड़े ज्वेलरी जो कुछ इन्हें पसंद था उसने सब ले लिया। अरे वाह, बहुत खर्चा तो नहीं करा दिया तुमने दिलशाद साहब का? इनको देखो कितना ख्याल आ रहा है, दिलशाद साहब का खर्चा तो नहीं करा दिया, पार्टी बदल दी इन्होंने। वैसे अच्छी बात है, ख्याल कर रही है जुल्फी, इनका होने वाला शोहर जो है जुल्फी साहब के नाम पे बहुत सुर्खी आ रही है। वैसे उधर जुल्फी भी इकबाल के नाम पे बहुत ब्लश कर रहा था। क्यूटीज। वैसे बाली फूफो की इस खुशी की जिम्मेदार ना आप ही हैं, आप ही की वजह से मुमकिन हो पाया ये सब कुछ। घर में कितना कुछ बदल गया है आपके आने से, मेरी पढ़ाई का ख्वाब पूरा हो गया, मेरे और अब्बा जी के दरमियान मोहब्बत और एतमाद का रिश्ता पुख्ता हो गया, और मुझे मेरी पसंद का इख्तियार भी मिल गया, सब आपकी वजह से हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रही हो सुरैया, तुम ना आती तो हमारी जिंदगी तालाब में जमी काई की तरह बेरंग और बेजान गुजर जाती। तुमने नए रंग नई जिंदगी सजाई है हमारी जिंदगियों में। ये आप दोनों क्या शायरी पे उतर आई हैं, ऐसे ज्यादा तारीफ मुझसे डाइजेस्ट नहीं होगी, बस कोई और बात करते हैं। जुल्फी साहब की तरह शायरी करने लगी मेरी प्यारी फूफू। सही कहा। अच्छा बताए ना, निकाह का ड्रेस किस रंग का है? पैरेट ग्रीन। या खुदा, तोता रंग बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा मुझ पे। जुल्फी को बहुत अच्छा लगा कलर, मैंने तो कहा कि इकबाल को भी अच्छा लगता है। कुछ नहीं होता वाली पुप्पो, पहन लीजिए आप जुल्फी अंकल के लिए, इतने प्यार से दिलाया है। इतना तो बन, इतना कर सकती, इतना हो जाएगा। हाँ हाँ बहुत अच्छी लगेंगी। क्या बात है, मैं तो खामोश क्यों? मुझे अब फीस के 5 लाख रुपए नहीं चाहिए, मुझे वीजे के लिए 30 लाख रुपए चाहिए। क्या दिमाग सही तुम्हारा?
हमारी वजह से आज मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मार के डॉक्टर शुजा से एडवांस सैलरी और बोनस मांगी, और तुम ये वीजे के चक्कर में? क्यों, वीजे और नेशनैलिटी के चक्कर में सिर्फ आप पड़ सकते हैं? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे 30 लाख रुपए चाहिए। तुम जानते हो कि मुझमें और अब्बा जी में इतनी सख्त नहीं कि तुम्हें 30 लाख दे सके। जानता हूं अब्बा में नहीं, मगर आप में तो है। आपकी बीवी के जो डॉलर हैं दानियाल, वो डॉलर कनीज फातिमा के हैं। ये बात मैंने तुम्हें कितनी दफा समझानी पड़ेगी? हाँ, मैं नहीं समझूंगा। मुझे 30 लाख रुपए चाहिए और आप वो 30 लाख रुपए मुझे देंगे। ये तो मुझसे किस तरह बात करूंगा? अपनी बेगम के अंदाज पहले देख ले, इसको दुरुस्त करवाए, मेरी फिक्र बाद में करिए। क्या बताना चाहते हो? यही कि आपका अपनी बीवी के पैसों पर कोई हक नहीं, पर उसकी इज्जत पर तो कोई हक है ना आप? या वो भी किसी और को दे चुके हैं आप? दानियाल, मुझ पर गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं, जाकर अपनी बीवी पर गुस्सा निकालिए। जरा सोचें, अगर ये तस्वीरें दादा जान, अम्मी अब्बा उन्होंने देख ली तो क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं दिखाओगे तुम, बाल पापा का निकाह है, माहौल खराब मत करो। घर का माहौल तो आपकी बेगम ने खराब कर ही दिया, और कितना ही खराब हो जाए। इतने बदतमीज हो गए तुम, आखिर तुम चाहते क्या हो? कितनी दफा बताऊं आपको कि मैं क्या चाहता हूं? खैर, अगर मेरा काम ना हुआ तो इकबाल फूफो के निकाह के बाद तो ये तस्वीरें मैं सबको दिखा ही दूंगा। फिर किम की इज्जत नहीं, आपकी इज्जत पामाल होगी। तुम्हारी अब शादी हो गई है, दाऊद को इससे बुरा लग सकता है। मैं जानता हूं दाऊद बहुत अच्छा है, लेकिन किसी की अच्छाई को इतना आजमाना नहीं चाहिए। हाय, हाय, कैसी रही शॉपिंग? शॉपिंग? और तुम जुल्फी के निकाह की शॉपिंग के लिए गए थे? ओह हाँ, जुल्फी के साथ बहुत मजा आया। इकबाल के लिए हमने इतना सारा सामान लिया। आई होप इकबाल को पसंद आ जाए। मैंने तो जुल्फी से कहा था कि इकबाल को भी हमारे साथ जाना चाहिए। गेस व्हाट, जुल्फी इकबाल से ज्यादा शाये बंदा है। कहता है चीजों का क्या है, ना भी पसंद आए तो जिंदगी गुजर जाती है। लाइफ पार्टनर पसंद का होना चाहिए, इतनी पोएटिक बात की है उसने। सही कह रहे हो। और? और कुछ नहीं। मैं चेंज करके आता हूँ। मैं जॉर्ज से मिली थी। कपड़े नहीं लाई? ले तो आई। दानियाल के कपड़े कहाँ हैं? मैंने इस्त्री करने थे ना। वो कोई नवाब साहब है जिसके कपड़े इस्त्री करते फिरे हम। इसको चाहिए अपने कपड़े खुद इस्त्री करे, जैसे दाऊद भाई करते हैं। कोई बात नहीं, मैं करती थी ना उसके कपड़े इस्त्री। आप तो चली जाएंगी फिर। हर किसी को चाहिए कि अपने काम खुद करे। क्या बात है, इतना मूड क्यों खराब है तुम्हारा? बड़े गुस्से में हो तुम आज? नहीं तो। मुझे तो बार बार ये ख्याल आ रहा है कि
मैं पैरेट ग्रीन जोड़े में कैसी लगूंगी? बिल्कुल वैसे ही जैसे तोते लगते हैं। तुम्हारी शादी होने दो, जर्दे के रंग का लहंगा बनाएंगे तुम्हारे लिए। पता है मुझे कितना पसंद है तुम्हें खाने में जर्दा। खुदा का खौफ करे, अल्लाह अल्लाह करके तो मेरी शादी कर दी है। फिक्र ना कर, बहुत अच्छे रंग का जोड़ा है, ये मजाक कर रही थी। हाँ शुक्र। अच्छा ये ले, मैंने फोल्ड कर दिया। तुम लोग भी जो ना, मैंने थोड़ी कहा था, किम ने कहा था। परेशान कर दिया था बिल्कुल मुझे। वो यूएई आया था अपने किसी काम से, स्पेशली मुझसे मिलने पाकिस्तान आया है। इस तरह मेरी उसकी मुलाकात हुई। कहाँ? जहां पर वो स्टे कर रहा है, मैं वहां पर गई थी उससे मिलने के लिए। यू नो व्हाट, वो बिल्कुल वैसी बातें कर रहा था जैसे मैं सोचा करती थी यहाँ आने से पहले पाकिस्तानियों के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में। मैंने उसको समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी सोच बहुत डिफरेंट है लोगों को लेके। और पता क्या कहता है, कहता है डेविड की कितनी बीवियां। मैंने कहा बड़ी मुश्किल से मैं ही उसकी बीवी हूँ, मजीद शादी करने की हिम्मत नहीं है उसकी। तुम इतने खामोश क्यों? मैं सुन रहा हूँ तुम क्या कह रहे हो। जुल्फी ने मुझे कहा कि मुझे जॉर्ज से नहीं मिलना चाहिए, तुम्हें बुरा लगेगा। मैंने उसे कहा कि तुम डेविड को नहीं जानते, वो मुझे कभी नहीं रोकेगा जॉर्ज से मिलने के लिए। अगर जुल्फी सही कह रहा तो क्या मतलब? तुम्हें बुरा लगा मेरा जॉर्ज से मिलना? हाँ, मुझे तुम्हारा जॉर्ज से मिलना बिल्कुल अच्छा लगा। पर डेविड वो सिर्फ मेरा एक दोस्त है। देखो कनीज फातिमा, मेरी एक बात सुनो। तुम जानती हो कि मैं बिल्कुल भी तंग नजर नहीं हूं और ना ही मैं रिवायत पसंद, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसमें हर शौहर और हर बीवी तंग नजर भी हो जाते हैं और रिवायत पसंद भी। बस मुझे तुम्हारा जॉर्ज से मिलना अच्छा नहीं लगा, मेरा दीन इस चीज की इजाजत नहीं देता कि मैं ये सबसे कीमती हस्ती की फिक्र ना करूं। डेविड, ये तुम कह रहे हो? हाँ, अगर ये हरकत मैं करूं तो तुम्हें भी पूरा हक है मुझे मना करने का। कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि जॉर्ज सिर्फ मेरा एक दोस्त है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जॉर्ज सिर्फ एक दोस्त नहीं, हमारा एक्स, एक्स से दोस्ती जा गया ना तुम्हारे अंदर का कंजर्वेटिव मर्द। बिल्कुल भी नहीं, तुम जानती हो मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरा फर्ज है मैं तुम्हें समझाऊं कि क्या सही है और क्या गलत है। अब इसे मानने या ना मानने का हक तुम्हें ही है। ठीक है, मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानूंगी। मुझ पर कोई भी पाबंदी लगाए मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं कल जॉर्ज से मिलूंगी, उनकी बहनों से कमिटमेंट की। और अगर मैं कहूं कि उससे मत मिलो,
मेरी मोहब्बत की खातिर, इस रिश्ते की खातिर। तो मैं फिर भी जाऊंगी, मेरे ख्याल में इतनी छोटी सी बात पर हमारे रिलेशनशिप या मोहब्बत पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मर्जी तुम्हारी। मुझ पर गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं, जाकर अपनी बीवी पर गुस्सा निकालिए। आखिर तुम चाहते क्या हो? कितनी दफा बताऊं आपको कि मैं क्या चाहता हूं? खैर, अगर मेरा काम ना हुआ तो इकबाल फूफो के निकाह के बाद तो ये तस्वीरें मैं सबको दिखा ही दूंगा। सुरैया, वो मेरा फोन। शर्मिंदा हूं कि तुम जैसा शख्स मेरा भाई। क्यों, क्या किया मैंने? से क्या पूछ रहे? खुद अपने आप से पूछो ना कि क्या किया है, क्या कर रहे हो। ये जो तस्वीरें तुमने डिलीट किया, इनके बावजूद भी तुम मुझसे ये सवाल पूछ रही हो। वो किम खुलेआम किसी से भी मिले, अपने दोस्त का हाथ पकड़े, घूमे फिरे। तानी वो वही करे वो जिस माहौल से आई है। किम के लिए ये सब कुछ गलत या अजीब नहीं है। कि तुम क्या कर रहे हो? हमारे घर का माहौल, बड़ों की तबीयत, ये तो नहीं है। तुम इस घर की बहू की तस्वीरें लेकर अपने ही भाई को ब्लैकमेल कर रहे हो, तुम्हें जरा शर्म नहीं आ रही है? मैंने दाऊद भाई को शर्म दिलाने के लिए ये सब कुछ किया, समझ आई? तुमने सब 30 लाख रुपए के लिए किया, जब किम को यह मालूम होगा कि पैसों के खातिर तुम अपने भाई को ब्लैकमेल कर रहे हो कि चासू चेगे वो हमारे बारे में। जो खानदान की मोहब्बत, रिश्तों के तकद्दुस के बारे में हम लेक्चर देते फिर रहे हैं, सबसे एतबार रुक जाएगा उसका। यही सोचेगी कि हम मफाद परस्त और धोखेबाज हैं जो अपने मकसद हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये चाहते हो तुम? मुझे कोई परवाह नहीं कौन क्या सोचता है, खास तौर पर वो किम मैडम। उसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई, उसना से मैं दूर हो गया। ना, तुम्हारी अपनी लालच की वजह से दूर गई, किम की वजह से नहीं। और तुम्हें क्या लगता है ये सब हरकतों के बाद हम तुमसे दूर नहीं जाएंगे? ना के लिए अकेले बैठ के सोचो कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। शायद तुम्हें अपनी हरकतों पे शर्मिंदगी हो। मुझ पर कोई भी पाबंदी लगाए मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं कल जॉर्ज से मिलूंगी, क्योंकि मैंने उसे कमिटमेंट की है। और अगर मैं कहूं कि उससे मत मिल, मेरी मोहब्बत की खातिर, इस रिश्ते की खातिर, तो thank you.
need.